दोस्तों, क्या आप अपने जीमेल का पासवर्ड भूल गए हो? क्या आप अपने जीमेल का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो? मान लो दोस्तों, आपको कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया हो जिसमें आपके जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ रही हो और आपको पासवर्ड ही नहीं उसका पता हो। आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, आप अपने जीमेल का नया पासवर्ड बनाना चाहते हो, उसे रिसेट करना चाहते हो। ये एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, जीमेल का पासवर्ड पता करने के लिए आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तरीके भी बहुत सारे आपको मिले होंगे, लेकिन मैं आपको एक आसान व सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें आपको न मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और न ही आपको ओल्ड पासवर्ड देने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ व सिर्फ ज़रूरत है बस एक मोबाइल फ़ोन की। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से स्किप किए बिना लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह लगभग लगभग सभी के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बाय दफ़े ये ट्रिक आपके फ़ोन में काम नहीं करती या ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गूगल ने जल्द ही एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे न आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और न ही आपको अपने जीमेल का ओल्ड पासवर्ड देने की ज़रूरत है। आप बड़े आसानी से अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसे रीसेट कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जिस जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको रीसेट करना है या चेंज करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जीमेल के नीचे एक गूगल अकाउंट लिखा आ रहा होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप अपने जीमेल की ही सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पर्सनल इन्फो है, डाटा एंड प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, पीपल एंड शेयरिंग है, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन है, ये सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहां पे ये सिक्योरिटी नाम वाली सेटिंग दिख रही होगी, उस पर आपको जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर की साइड हल्का सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आप देख पा रहे होंगे पासवर्ड, जैसा कि हमारे फ़ोन में है। इस पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको इंटर योर पासवर्ड मांगेगा। लेकिन दोस्तों, ये पासवर्ड मांग रहा है, आपको तो अपना पासवर्ड याद ही नहीं है, आपको तो इसे चेंज करना है, रिसेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर हम जाएंगे। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं, कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, इंटर योर पासवर्ड, गेट वेरिफिकेशन कोड एट अपनी जीमेल आईडी, यानी जो हम पहले इसमें अपना जीमेल आईडी दे रखे होंगे वो शो करेगा अपना रिकवरी के लिए। अगर नहीं दिए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, आपके भी फ़ोन में अपने हिसाब से देख लेना कि आप में स्क्रीन लॉक होगा तो स्क्रीन लॉक के हिसाब से आएगा, या तो पैटर्न या पिन मांगेगा तो पिन दे देना, जैसे होगा उस हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज योर स्क्रीन लॉक, फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यूज पिन मांगेगा, जो हम अपने फ़ोन में जो अपना पिन लॉक लगा रखे हैं उसको पिन लॉक अपना दे देंगे हम। पिन लॉक देने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड डाल के और नीचे कन्फर्म पासवर्ड, नीचे की साइड आप देख पा रहे होंगे चेंज पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना पासवर्ड बना के अपना चेंज कर सकते हैं दोस्तों। है ना तरीका बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वो आसान। देखो ना, इसमें हमें ओल्ड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत पड़ी। अब दोस्तों मान लो अगर ये जीमेल आईडी आपके फ़ोन में अगर नहीं है, किसी और फ़ोन में हो, जैसे मान लो किसी लैपटॉप और पीसी में अगर लगा रखी हो, चाहे उसमें भी नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों? आपको ये समझ लो कि अगर इस फ़ोन में अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं है, तो उसके लिए आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन नंबर का में पे सबसे पहले आप ओटीपी लेंगे, ओटीपी लेके फिर उसमें ओटीपी डाल के ऐसे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद भी अगर अगर आपके फ़ोन में अगर ये भी जुगाड़ नहीं है, तो फिर आपको दोस्तों लास्ट में आपको जीमेल आईडी को भूल जाना ही होगा। यही एक और तरीका है दोस्तों। और बाकी तो ये इस तरीके से जिस तरीके से सेटिंग हमने बताई, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत ना आने वाली है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेटिंग के माध्यम से आपको समझा पाया हूँ, आपकी हेल्प कर पाई है। अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।